नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सुनवाई होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक को लेकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा है कि जैसा कि अरविंद केजरीवाल भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तानाशाही ने सारी हदें पार कर दी हैं। आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली, तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई? क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी? पूरा देश आपको देख रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के कहने पर केजरीवाल की जमानत को रोक दिया है। वहीं केजरीवाल को बेल जब दिल्ली कोर्ट से दी गई थी तो कोर्ट ने ईडी को लेकर काफी कुछ कहा था। कोर्ट ने कहा था कि ईडी अपराध की आय के संबंध में मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत देने में विफल रहा। ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्वाग्रह से काम कर रही है। हालांकि इसके बाद ईडी हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट ने तो अलग ही रुख अपना लिया। हरियाणा में एक बार फिर सियासी उलटफेर की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस ने राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर विधानसभा भंग करने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार के पास बहुमत नहीं है। कांग्रेस ने मांग की कि राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू कर जल्द चुनाव के निर्देश दें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसी के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए हम ये मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अल्पमत में है क्योंकि सरकार के पास 43 विधायकों का समर्थन है, जबकि बहुमत के लिए 44 विधायक चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति महागठबंधन में कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। इस बीच शिवसेना के 58वें स्थापना दिवस समारोह में रामदास कदम ने लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे में देरी के लिए बीजेपी और अजित पवार पर निशाना साध दिया। बीजेपी और अजित पवार पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की तरह शिवसेना शिंदे गुट के लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा 2 महीने पहले हो जाती तो हम भी 15 सीट जीत सकते थे। जब हमने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया तो बीजेपी बीच में आ गई, उन्होंने इन सीटों पर अपना दावा ठोक दिया। छगन भुजबल एनसीपी और महायुति गठबंधन के लिए एक पहेली बने हुए हैं। एनसीपी से बाहर निकलने के अटकलों के बीच भुजबल एक बार फिर अपनी पार्टी और महायुति गठबंधन को उलझन में डालते दिख रहे हैं। पहले पार्टी प्रमुख अजित पवार की पत्नी सुंदरा के राज्यसभा नामांकन को लेकर और इस बार मराठा कोटे के मुद्दे पर इस सप्ताह की शुरुआत में अपने समर्थकों की एक बैठक में भुजबल की अध्यक्षता वाली महात्मा फुले समता परिषद ने जाति सर्वेक्षण के लिए दबाव बनाने का फैसला किया। ये ओबीसी संगठनों का एक छत्र संगठन है। ये एक ऐसा कदम है जिससे महायुति भागीदारों के बीच दरार और बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा भुजबल का रुख कई मुद्दों पर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के रुख से अलग रहा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए के 400 पार के नारे ने इसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम को रद्द करने और दोबारा परीक्षा की मांग वाली नई याचिकाओं को बाकी की पेंडिंग पड़ी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। नीट के खिलाफ दायर इन सभी याचिकाओं पर अदालत 8 जुलाई को सुनवाई करने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपाइयों की है यही पहचान, झूठों को काम झूठों को सलाम। उन्होंने कहा यह आरोप बेहद गंभीर है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित करवाने वाली गुजरात की कंपनी का ही पेपर लीक करवाने में हाथ है और उसका मालिक जब सफलतापूर्वक विदेश भाग गया उसके बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके बारे में जनता को बताया और जनता के गुस्से से बचने के लिए दिखाने भर के लिए उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया।
उत्तर प्रदेश सरकार उस कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ FIR की कॉपी सार्वजनिक करे, गुजरात भेजकर उसकी संपत्ति से खामियाजा वसूलने की हिम्मत दिखाए। ऐसे आपराधिक लोग उत्तर प्रदेश के 60 लाख युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के दोषी हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार साबित करे कि वो इन अपराधियों के साथ है या प्रदेश की जनता के साथ है। कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तान समर्थकों ने कथित जनता दरबार लगाया, जिसके खिलाफ भारत ने विरोध दर्ज कराया है। अधिकारियों ने बताया कि 20 जून को वैंकूवर में खालिस्तान समर्थकों के जनता दरबार लगाने और प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाने को लेकर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारत ने कनाडाई उच्चायोग को एक पत्र जारी कर गंभीर आपत्ति जताई है। भारत ने पत्र में जस्टिन ट्रूडो सरकार द्वारा खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों को कनाडा में जगह दिए जाने का भी विरोध किया है। 21 जून यानी शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर के डल झील के किनारे स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में योग किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्से में योग कर रहे लोगों को कश्मीर से योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुनिया के बड़े नेता जब भी मुझसे मिलते हैं योग की चर्चा जरूर करते हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। दुनिया योग को नई इकोनॉमी के तौर पर देख रही है। भारत में योग टूरिज्म का एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के तीसरे मैच में गुरुवार को भारत ने अफगानिस्तान को 47 रनों से हरा दिया। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए। 181 रनों का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम 134 रनों पर सिमट गई। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट छिटकाए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।